हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट नई वैकेंसी लेके आई हूँ जो बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें पोस्ट दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ट्वेल्थ लेवल के लिए भी है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है, आईटी वाले बच्चों के लिए है। तो देखा जाए तो मैं बम्पर भर्ती इसको बोल सकती हूँ कि भर भर के इसमें भर्ती दी गई है। काफ़ी सारी पोस्ट है, वैकेंसी है, ट्वेल्थ वालों के लिए भी, ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें निकली है। तो आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ कि ये जो मैं महा ई आई टी है यहाँ पे, ये इसका वैकेंसी का नाम है महा ई आई टी, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहिए जो महा ई आई टी है इसकी क्या क्या वैकेंसी है, क्या सब कुछ है, तो और इसमें सिलेबस क्या है, क्या आपको करना है, ये मैं आपको पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। ये आपको कहीं और भी किसी वीडियो पे, किसी साइट पे इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ वैकेंसी कैसी होती है उसकी अलग से ही साइट होती है, वो साइट पे ही अवेलेबल होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को साइट की इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि कौन से साइट पे कौन सी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, तो बहुत बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ने उनको पूरा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये वीडियो पूरा वैकेंसी का होगा, नेक्स्ट वीडियो सिलेबस का होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एडवाइस दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्या क्या पार्ट्स आपको पढ़ना है कि फर्स्ट ही एग्ज़ाम में आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। फिर इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्वेश्चन, ये सब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज तो मैं आपको वैकेंसी दिखाने वाली हूँ कौन से ट्वेल्थ में कितने सारे पोस्ट है, ग्रेजुएशन में कितने सारे पोस्ट हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, पूरा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए लेटेस्ट टू लेटेस्ट गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट टू फर्स्ट कोशिश करता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये दे सके। तो प्लीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाइए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना वैकेंसी जितनी है आप फॉर्म भरते रहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका क्रैक हो ही जाएगा। तो चलो मेन डिटेल्स पे चलते हैं, फॉर्म के डिटेल्स पे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट अंडर महा ईआईटी, दिखा आपको महा ईआईटी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसमें टेक्निकल के लिए भी वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी वैकेंसी है, 10+2 मतलब 12th वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं। तो ये तो इसके डिटेल्स हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो साइट का नाम, ये दिख रहा है आपको महा ई आई टी। चलो हम आपको डिटेल्स दिखाते हैं पोस्ट वैकेंसी क्या क्या, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लो डिटेल्स ऑफ पोस्ट ए एंड बी। इसमें बहुत सारे पोस्ट दिया गया है जिसका नाम ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, ऐसे पोस्ट वाइज हैं। इसमें ट्वेल्थ वाले हैं, इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं, इसमें आई टी आई वाले हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, तो आपको देखना है। तो आप ये फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये फर्स्ट वैकेंसी है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वैकेंसी एंड रेमुनरेशंस, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, तालुका ऑफिसर का है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, 12th क्लास पास चाहिए, एनी डिप्लोमा, एनी ग्रेजुएट, ठीक है। एक आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको। अब आप देख लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या इसका पे स्केल है, कितना आपको मिनिमम मिलेगा, मिनिमम यहाँ पे 12,400 है, मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 44,000, मैं अप्रॉक्सीमेटली 45,000 मान के चलती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये देखो टीए आपको मंथली कितना मिलने वाला है, टीए मतलब ट्रैवल, जो आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ करते हो वो सब, ठीक है। 2400 से लेके आपको 4200 तक आपको ट्रैवलिंग मिलेगा, फिर डीए मिलता है आपको, मंथली कितना मिलेगा आपको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरा सैलरी की इन्फॉर्मेशन है। आप ये थोड़ा सा पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आप यहाँ देख डेटा, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, ये सब वहाँ पर काम होगा ऑफिस वगैरह में। आप थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, अब यहाँ पे कितनी पोस्ट है मैनेजर की, 200 यहाँ पे पोस्ट है। अब इसके लिए देखो कितना सारा यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी रखी गई, ये सारे मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे रखा है, ये सारा काम आपको वहाँ पे करना होगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पीडीएफ है,
तो पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को दिखाने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं आपके लिए डिटेल्स पोस्ट लाई हूँ CND। तो उन्होंने आगे का AOD देख लिया। अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे सीनियर मैनेजर के लिए आपको क्या क्या चाहिए। पे स्केल सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा जूम कर दिया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे देखना है अच्छे तरीके से। ये एज क्राइटेरिया है कि क्या क्या आपका एज होना चाहिए, 21 से लेके 35 ईयर्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपको ये लास्ट डेट नहीं देखना है, हाँ ठीक है। लास्ट डेट और अप्लाई ऑनलाइन कब है मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। ये आपको एज क्राइटेरिया बता रहा है कि कितना होना चाहिए 2019 के हिसाब से। मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप पहले पोस्ट देख लीजिए, क्या क्या वर्क आपको वहाँ पे करना होगा आप ये सब देख लीजिए। यहाँ पे सैलरी आपकी डिटेल्स यहाँ पे ये दिया गया है, अच्छे तरीके से आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। काफ़ी छोटी छोटी राइटिंग लिखा है तो पूरा पढ़ने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को काफ़ी स्लो में रिमूव कर रही हूँ, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। अब ये नेक्स्ट पोस्ट है, अब आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे कि ये पूरा अच्छे से डिटेल्स दिया गया है। इसमें भी एज वही है 21 to 35 ईयर्स। और यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम सैलरी कितना है, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एनी डिप्लोमा एनी डिग्री रिलेटेड डिसिप्लिन, ठीक है। ये मंथली कितना सैलरी मिलेगा, ये सारे काम आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट पोस्ट आप देख लीजिए, ये नेक्स्ट पोस्ट किसके लिए है, ENF के लिए है। आप देख रहे हैं आप यहाँ पे दिख रहा है आपको ENF, यहाँ पे क्या लिखा है ऑफिसर IT कंप्यूटर ऑपरेटर, ये इसके लिए पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर IT के लिए है, कितनी वैकेंसी है 270 वैकेंसी है। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एनी डिप्लोमा ग्रेजुएशन ये सब चाहिए। सैलरी देखिए यहाँ पे एज है और क्या क्या काम करना होगा वहाँ पे, ये सारे वहाँ पे काम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या क्या होना चाहिए आप यहाँ पे देख लीजिए, क्वालिफिकेशन आपका जो भी यहाँ पे स्केल है और ये सारा वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा। ये एज है आपका 21 to 30 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। आप चलते हैं नीचे, ओके यहाँ तक की वैकेंसी थी। अब मैं आपको लास्ट डेट और आपको फॉर्म का डेट बताती हूँ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, अब ये देख लीजिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस 6/12/2019, मतलब 6 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन कब तक ये रहेगा, 5 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो 5 जनवरी से पहले आपको फॉर्म भरना है। टेंटेटिव मंथ्स फॉर रिटर्न टेस्ट, फेब्रवरी में आपका एक्सपेक्टेशंस माना गया है कि फेब्रवरी में आपका ये परीक्षा रिटर्न टेस्ट होगा। अब इसका सिलेबस क्या है, सब कुछ क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस हर चीज़ क्या है। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन हर चीज़ देख लिया, एज 21 से 35 होनी चाहिए, सैलरी वगैरह आपने देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।